मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली ने एसआईटी का गठन कर दिया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एसआईटी गठित कर दी है। 5 किलोमीटर के दायरे की पूरी तरह से जांच की जाएगी और वहीं पार्क में आने जाने वालों का भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। साथ ही रिजॉर्ट संचालकों की भी जांच की जाएगी। बता दें कि अभी तक 8 हाथियों की मौत हो चुकी है और इसके बाद से ही लगातार जांच चल रही है कि आखिर मौत कैसे हो रही है हाथियों की, इसके पीछे की क्या वजह है। तमाम टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि आपको याद होगा डिप्टी सीएम का भी वो बयान जब उन्होंने कहा कि इस बारे में जो है जांच की जाएगी, बाकायदा जो टीम है वो रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर कैसे हाथियों की मौत हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे की। तो लगातार हाथियों की मौत से चिंता का विषय, 8 हाथियों की मौत हो चुकी है अब तक। कोई कह रहा है कि जहरीला फसल खाने की वजह से, तो कोई कह रहा है कि शिकार की भी एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इन तमाम एंगलों से अब जांच चल रही है। जांच के बाद ही पूरी बातें सामने आ पाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 5 किलोमीटर के दायरे में जांच होगी। जंगल में 8 हाथियों की मौत हो चुकी है। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। तो वहीं मौके से 6 से ज्यादा खाली खोखे बरामद किए गए। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। फायरिंग की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुरानी रंजिश को लेकर गोली चला देते हो, दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुरानी रंजिश में हथियार का इस्तेमाल, फायरिंग की गई है। 6 से ज्यादा लोग जो है गंभीर स्थिति में है। पुरानी रंजिश को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है मुरैना से। 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। 6 से भी ज्यादा खाली खोखे बरामद किए गए। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन दिनों हथियार आजकल बहुत ज्यादा जो लोग हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ाई झगड़ों में, और ये नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या वजह रही जो 2 पक्ष में इतनी ज्यादा लड़ाई होने लगी कि फायरिंग तक शुरू हो गई? अब बिल्कुल, देखिए अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि किस वजह से दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इस कदर हुआ था कि दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए और पहले तो एक दूसरे में गाली गलौज का सिलसिला चला और फिर एक पक्ष ने आकर के दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक कारतूस फूके गए थे और पुलिस जो जैसे ही सूचना पुलिस को मौके पर मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो खाले खोखे होते हैं कारतूस के वो भी वहां से बरामद किए हैं। लेकिन अभी तक जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं और एक व्यक्ति है वो उसके हाथ में एक अधिया यानी कि जो अवैध कट्टा होता है वो भी हाथ में नजर आ रहा है, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ये घटनाक्रम है कैलारस थाना क्षेत्र के पचेका गांव का है और 2 दिन पुराना घटनाक्रम है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, उस मामले में कार्रवाई की गई थी और बताया जा रहा है ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। इसी बात से बौखला करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की थी। हालांकि मुरैना जिले में अक्सर देखा जाता है कि मारपीट और फायरिंग और गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी भी न किसी थाना क्षेत्र में घटना घटित होती रहती है। इससे अब एक बात तो साफ है कि पुलिस के कितने हाथ लंबे हैं, इस बात का खुलासा इसी बात से होता है क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिस को ठोस कदम उठाने चाहिए इन जो इस तरीके की फायरिंग करने वाले हैं और जो आरोपी है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिस वजह से इस तरीके की घटना घटे। तो
बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। और वाकई में अगर पुलिस जब तक कोई कड़े कदम नहीं उठाती है तब तक इसी तरह इनके हौसले बुलंद रहेंगे और मामूली सी बात पर फायरिंग होते रहेगी। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। सीधी में पेट्रोल पंप पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। डीजल लेने आए युवक से विवाद के बाद मारपीट हुई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस अब जांच में जुट गई है। सीधी में पेट्रोल पंप पर युवक की पिटाई, सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। डीजल लेने आए युवक से विवाद के बाद मारपीट का मामला, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। हरीश द्विवेदी संवाददाता साझा कर रहे हैं। हरीश, क्या कुछ कार्रवाई की गई इस मामले में अब तक? देखिए, जैसे ही पूरी वारदात जो है तो पेट्रोल पंप में घटित हुई है। हालांकि इस पेट्रोल पंप में जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है वो शहर के एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भर नाम का कर्मचारी है और डीजल लेने गया हुआ था पेट्रोल पंप पे, जहां वहां जो बैठे लोग थे उनसे किसी बात को लेकर उसका वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना गहरा गया कि पूरी जो वारदात हुई वो मारपीट तक उतारू हो गई और उस मारपीट की पूरी वारदात जो है तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पूरे मामले में सिटी कोतवाली टीआई अभिषेक उपाध्याय ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी जो अविनाश तिवारी है उसके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर लिया है और फिलहाल इस बात की तहकीकात पुलिस शुरू कर दी है कि आखिरकार जो मारपीट हुई है मारपीट का मुख्यतः कारण क्या है। हालांकि लोग ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी कहासुनी हुई थी और किसी वाहन या गाड़ी को लेकर आपसी आने जाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इतना गहरा जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। जिस तरीके से अविनाश तिवारी जो आरोपी है उनने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है वहां इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, इस मामले में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद हो चुकी है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध करके जांच शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब इंतजार है तमाम उन लोगों पर भी कार्रवाई का जो लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं और सीसीटीवी के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। भोपाल में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक इंजीनियर की बेसुध होकर गिरने से मौत हो गई, तो वहीं घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। फुटेज में युवक वाइन शॉप के बाहर बैठा और पीठ के बल गिर गया। मौत के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, पोस्टमार्टम आने के बाद ही हो पाएगा। परिजन हार्ट अटैक से मौत की आशंका जता रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अगर आपकी तबीयत खराब है या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले एक इंजीनियर की बेसुध होकर गिरने से मौत हो गई और ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। पहले उसको असहज महसूस होता है तो वो नीचे बैठता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो चित्त हो जाता है। घटना का सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शॉप के बाहर ही, एक वाइन शॉप के बाहर ही वो पीठ के बल गिर जाता है और मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बहुत जरूरी है आज के समय में कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हालांकि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ पाया है क्या, कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए बहुत ही हैरान करने वाला मामला अब राजधानी भोपाल से सामने आया है। कोलार थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर एक इंजीनियर जो कि रोजाना अपने एक तय शेड्यूल के अनुसार मॉर्निंग वॉक पर जाता था वो कल भी इस तरह से मॉर्निंग वॉक पर निकला, लेकिन अचानक उसे कुछ तकलीफ हुई और वहां पर जो वाइन शॉप है वो उसके सामने जाकर बैठ गया और फिर अचानक बेसुध होकर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल विस्तृत पीएम रोड रिपोर्ट का जो है वो इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पूरे मामले में जो प्राथमिक तौर पर ये बात समझ में आ रही है कि युवक को संभवतः हार्ट अटैक आया होगा और इस तरीके के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर नए उम्र के जो लोग हैं उन्हें हार्ट स्ट्रोक आना अब एक आम बात सी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने पहले भी कुछ दिन पहले भी इस तरीके की कई सारी जो तस्वीरें हैं वो थी, कई सारी जो घटनाएं वो सामने आई हैं। विस्तृत पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद कुछ और जो इस पूरे मामले में या मौत की वजह को लेकर जो महत्वपूर्ण खुलासे वो हैं वो हो सकते हैं। ये इंजीनियर का नाम सुदीप पटेल बताया जा रहा है, ये रीवा का रहने वाला है, भोपाल में रहकर ये कामकाज करता था और पूरा मामला सामने आने के बाद जरूर लोग इस पूरे मामले को लेकर एक दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हैरान भी नजर आ
बता रहे हो और बिल्कुल आपने ठीक कहा, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो है वो एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। जी बहुत शुक्रिया वास्तु जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए ये बहुत सावधान कर देने वाली खबर है, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना बंद करिए। आगे बढ़ेंगे, जांजगीर चांपा की बात करेंगे। जांजगीर चांपा में जमीन की धोखे से रजिस्ट्री कराकर लाखों रुपए हड़पने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक कर्मी के साथ मिलकर युवक ने 9 लाख रुपए का बैंक लोन की स्वीकृति कराई थी, उसके बाद धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हुंडई कार बरामद की है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, धोखाधड़ी का ये मामला जो सामने आया है, इसमें कितने लोगों के हाथ है और क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी, जमीन कारोबारी जगदीश कश्यप लंबे समय से के ऊपर केस दर्ज हुआ था और वो फरार था। 2 आरोपी को पूर्व में भी जेल दाखिल कर दिया गया है और मुख्य आरोपी जगदीश कश्यप लंबे समय से फरार था। मुनून ने ये इनका कारोबार चला था और अन्य जमीन का रजिस्ट्री बताकर उनको करा दिया गया और 9 लाख रुपए का बैंक कर्मी के साथ वो स्वीकृति लोन पहले कराया, उसके बाद उन्होंने चेक को अपने नाम से जो है अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। जब खरीदार इस मामले की जानकारी हुआ उनको, तो उन्होंने पुलिस के शरण में गए और उनके ऊपर FIR किया। फिलहाल इस मामले पे जो है जगदीश कश्यप को जेल भेजे गए। पूर्व में जगदीश कश्यप के खिलाफ कई जमीन कारोबारी में अवैध रूप से हथियाने का कारनामा सामने आया है और इस मामले पे वो अब जेल गया है। पूर्व भी उनको जेल भेजा गया है लेकिन वो जमानत के तौर पर फिर छूट जाता है और इस तरह के लगातार उनके द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी के मामला को अंजाम देते रहा है। बिल्कुल, और धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में पटाखा दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गई, अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। परसा गांव की घटना है, तस्वीर आपको अब दिखाएंगे जहां पर आग देखिए आप, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये है पटाखा दुकान और इसमें जहां छोटी सी आग लगी, देखते ही देखते एक विकराल रूप आग का यहां दिखाई दिया। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अंबिकापुर में एक चोर को चोरी करते लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर धुनाई कर दी, फिर उसे पुलिस को भी सौंप दिया। बता दें कि गैस की दुकान के बाहर से चोर गैस टंकी चुराकर भाग रहा था, तभी लोगों ने मौके पर उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की गई। राजस्थान के जोधपुर जिले के सरदारपुरा थाने में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक महिला ब्यूटीशियन की हत्या कर उसके शव के 6 टुकड़े कर जमीन में ही दफना दिए गए। मृतका अनिता चौधरी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी व्यवसाय करती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी गुमाम उद्दीन की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार अनिता चौधरी सरदारपुरा बी रोड स्थित अग्रवाल टावर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आरोपी गुल मोहम्मद की भी इसी टावर में दुकान है, जिसके चलते दोनों के बीच जान पहचान हुई। 28 अक्टूबर को अनिता घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके बाद 29 अक्टूबर को उसके पति ने सरदारपुरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूरे मामले में आरोपी की तलाश के साथ हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। पापा ने मेरे को शाम को 7:30 बजे के आसपास फोन किया था कि तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो मैं जहाँ पे भी था मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँचा। पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की, तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में।
मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुरा थाने चले गए और वहाँ पर रिपोर्ट देती थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकतीब आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया उसके अंदर, ये मम्मी को बहुत बुरी। जब हमने फुटेज देखे तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके गया टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से, और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने गाड़ी। खंडवा के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दे दी है। दीपावली के पावन पर्व पर 278 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली बनाने लगा है। ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मध्य प्रदेश का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही सीएम ने लिखा है कि हम भविष्य में भी ऐसे नवाचारों को अपनाकर प्रदेश को रोशन प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे। के क्षेत्र में अनूठी पहल कर रही है और इसी पहल का नतीजा है कि अब खंडवा जिले के ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट तैयार किया गया है। इसको हम लोग क्या क्या इधर एक जगह पे रुकने के लिए हम लोग क्या क्या सराउंडिंग में हम लोग एंकरिंग एंड मोरिंग मेथोडोलॉजी यूज़ किया है। वो इसी में क्या है, इसको जमीन पे हम लोग जो ड्राइव करके उसको उधर से मोरिंग लाइन लेके आया, उसको बांध के रखा है जो चारों सराउंडिंग में। इसमें वाटर लेवल वेरिएशन जो कितना भी होने से भी इसको ऊपर आएगा नीचे आएगा थोड़ा सा, इसका जो ऑसिलेशन रहेगा रिमेनिंग ये पोजिशन में ही रहेगा। इस बेसिक हम लोग जो रुका हुआ है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खंडवा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बिजली तैयार होने लगी है।